Appropriate lighting in the classroom. Physical dimension का एक बहुत जरूरी हिस्सा जो है वो lighting in the classroom है आमतौर पर हम इस चीज पर ज्यादा तवज्जो नहीं देते Classroom में जो lighting है that plays a huge role in teaching and learning. आपके लिए बहसीियत उस्ताद के भी और students के लिए बहसीत learners के लिए भी lighting जो है उसका proper होना बहुत जरूरी है आप इस चीज को इंश्योर करें कि जब आप क्लासरूम में आते हैं तो क्लासरूम के अंदर ब्राइट एंड नॉट सो ब्राइट एरियाज होने चाहिए ये ये जो है ये आप हैसीयत तो उस्ताद के क्लासरूम में ऐसी कंडीशंस मेंटेन कर सकते हैं जिसमें ब्राइट एंड लो लिट एरियाज दोनों हों बुक केसेस के इस्तेमाल से स्क्रीनस के इस्तेमाल से प्लांट्स के इस्तेमाल से क्लासरूम के अंदर ऐसे एरियाज को अरेंज किया जा सकता है जो ब्राइट एंड नॉट सो ब्राइट हो क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं वो डिफरेंट कंडीशन में ल, ल, सीखना पसंद करते हैं द लर्नर्स दे इंजॉय लर्निंग इन डिफरेंट कंडीशंस एंड एज टीचर्स वी नीड टू नो दो कंडीशंस प्लीज अलाउ स्टूडेंट्स टू सिट इन बोथ एरियाज डिपेंडिंग ऑन देयर नेचर्स आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो इंट्रोवर्ट कौन से हैं और स्टूडेंट्स जो हैं वो रेस्टलेस कौन से हैं ये दोनों जो सेट ऑफ स्टूडेंट्स हैं इनके लिए डिफरेंट लाइटिंग कंडीशंस जो हैं वो दरकार होती हैं आमतौर पे ये देखा गया है कि वो बच्चे जो इंट्रोवर्ट होते हैं उनको आप जरा ब्राइट एरियाज में बिठाएं और वो बच्चे जो रेस्टलेस और हाइपर होते हैं उनको आप जरा लो लिट कंडीशन में बिठाएं क्योंकि आमतौर पर जहां बहुत ज्यादा रेस्टलेस बच्चे होते हैं वो मजीद लाइटिंग में ज्यादा रेस्टलेस हो सकते हैं So, ये टीचर के लिए जानना बहुत जरूरी है कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनका साइकोलॉजिकल मेकअप क्या है कौन से सेट्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो इंट्रोवर्ट्स हैं और कौन से सेट्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो हाइपर हैं प्लीज एनश्योर दैट यू प्रोवाइड लाइटिंग कंडीशन अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजिकल मेकअप ऑफ द स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स जो हैं वो ब्राइट भी होते हैं और ब्राइट होने के साथ साथ वो बहुत ज्यादा Hyperactive or restless. Hote in more lighting conditions, in bright lighting conditions, they get the tendency to become more hyperactive. Hence, they can create classroom management problems for you. On the contrary, the introvert students, the introvert kind of students, when you make them sit in dim light areas, they will further become introverts. So please, you are supposed to take them out of their introvert behaviors and make them have a very balanced existence in the classroom and that is possible once you make the introvert students sit in brightly lit areas it has a good effect on their psychology and when it has a good effect on their psych psychology they will participate more meaningfully in the classrooms so it is extremely important as a teacher to know two things. One, you need to know your students very well, you need to know the psychology of your student very well, or at the same time, you need to know your classroom arrangement very well. Apko ye malum wanacha ye classroom mein areas spread out hai, and provide both lighting conditions. That is very important in order to have productive classrooms for you.